चुनी गौरैया बहुत मेहनती स्वभाव के थे और हमेशा अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करती थी और हमेशा दूसरों की मदद करती है। गांव में उसके आसपास के सभी लोगों के पास खेत हैं। वे अच्छी तरह से विकसित होते हैं और बहुत खुश हैं। टुनी गौरैया अन्य लोगों के लिए काम करती थी। टुनी गौरैया हमेशा अपनी बेटी की अच्छी देखभाल करती है। उसकी बेटी जो भी उससे कहती थी वह उसे खरीद लेता था, ताकि उसकी बेटी अन्य बच्चों की तरह बिना किसी परेशानी के उसके साथ खुश रहे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को किसी भी तरह का कष्ट हो। टुनी गौरैया सोचती है कि उसे अपना कुछ सामान बेच देना चाहिए और जो पैसा उसने छुपाया है उससे एक छोटा सा खेत खरीदना चाहिए। टुनी ने कुहू बत्तख को एक अच्छी जमीन ढूंढने के लिए कही। कुहू ने उसके कहे अनुसार एक छोटी सी जमीन ढूंढ ली। कुछ दिन बीत जाने के बाद कुहू बन्नू सुबह बहुत खुशी से टुनी गौरैया के घर आती है और आकर टुनी से कहा कि उसे एक जमीन मिल गई है। यह सुनकर टुनी बहुत खुश हुई। अरे कुहू, तुमने कहा था ना आज खेत देखने जाना है। हाँ टुनी, ठीक है, पर इतना सुबह नहीं। मैं पहले जाऊंगी और जाके तुम्हें फोन करूंगी, तो फिर तुम चले आना। ठीक है, तुम मुझे फोन करना, तब मैं चली जाऊंगी। और हाँ टुनी, वो खेत भी बहुत कम दाम पर बिक रहा है। अरे कुहू, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम क्या कहती हो? ठीक है टुनी, पहले जाकर खेत देखते हैं। अगर पसंद आएगा तो पैसे के बाद तभी करेंगे। अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? इतना कहकर कुहू बत्तख चली गई और टुनी गौरैया भी उस जमीन को देखने चली गई जो उसने उसके लिए देखी थी। उसने देखा कि जमीन बहुत बड़ी थी और स्थिति भी बहुत अच्छी थी। टुनी बहुत खुश थी। अरे टुनी, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं नलू से एक खेत खरीद रही हूँ। ओह अच्छा, तो वो जगह कहाँ है? वहाँ अंत में ही है, बहुत कम दाम में बिक रही है, तुम भी जाके देखो ना। ओह अच्छा, तुम वो ज़मीन खरीदोगी, पर मैंने सुना है कि वहाँ कुछ है, तुम मत खरीदो, इसीलिए तो इसका दाम इतना कम है। ऐसी बात नहीं है, मुझे सिर्फ एक खेत चाहिए लूसी। टुनी पहले तुम सोचो। टुनी गौरैया घर जा रही है और सोच रही है। जो लोग जानते हैं कि वह खेत खरीदेगी वे सभी उसके साथ हैं। उनका कहना है कि मैदान में कुछ तो है, लेकिन क्योंकि टुनी पिचुका को खेत की बहुत जरूरत है और खेत खरीदना भी है, कोई भी खेत कम रेट पर नहीं आता, इसलिए वह खेत खरीद लेता है। खेत खरीदने के बाद टुनी गौरैया उस खेत की अच्छे से देखभाल करती है और फसल लगाने के लिए भी बहुत मेहनत करती है। वह सुबह अलार्म घड़ी की घंटी बजने से पहले उठ जाती थी और अपना काम करने के लिए खेत पर आ जाती थी। कई दिन बीत गए लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई। सब कोई कहते हैं कि ये खेत में कुछ है, पर इतने दिन हो गए, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। बहुत किसी ने कहा ये खेत मत खरीदो, यहाँ कुछ होगा, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे ये खेत मिल गई। इस बार अगर फसल अच्छी हो तो मेरी कष्ट भी दूर हो जाएगी। टुनी गौरैया खेत की कटाई के बाद रखवाली करने के बारे में सोची। फिर धीरे धीरे रात होने लगी, इसलिए अपनी फसल को चोरी होने से बचाने के लिए टुनी वहां बिस्तर डाल के एक बेड में सो गई। धीरे धीरे रात बहुत गहरी हो गई। जब वह गहरी नींद में सो रही थी, एक भयानक चुड़ैल उसके बिस्तर के नीचे सब कुछ देख रही थी। उसके बाद अचानक टुनी सोते हुई किसी की रोने की आवाज सुनी और तुरंत उठकर बिस्तर पर बैठ गई। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, पर रो कौन रहा है और क्यों रो रहा है कोई? उसके बाद तुरंत रोना बंद हो जाती है। तब टुनी ने इधर उधर देखा और देखा कि कहीं कोई नहीं है, तो वह बिस्तर पर चला गया और फिर से सो गया। उसके बाद वो डायन फिर रोने लगती है। ऐसा कौन रो रहा है? वहाँ क्या कोई है? अगर कोई मुझे डराना चाहती हो तो मेरे सामने आओ। जब वह फिर से रोना बंद कर देती है तो उसे आश्चर्य होती है कि क्या वह पास में किसी कुत्ते या लोमड़ी रो रही है। वह वैसे ही टुनी फिर से सो जाती है। तभी डायन टुनी गौरैया को बुलाने लगती है। टुनी, टुनी। अरे कौन है जो मुझे टुनी कह रही है?
टोनी, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। ये तो मेरी खेत है, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ, मुझसे बात करो। ये मेरा घर है, तुम यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारा खेत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। टूनी गौरैया को तभी समझ आती है कि उस मैदान में कुछ तो है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वह वहीं पड़ा रहता है। उसके बाद भूत कुछ नहीं बोलता। इसी तरह रात कटती है। सुबह टूनी गौरैया असमंजस में अपने घर वापस जा रही थी। फिर रास्ते में माही चील और लूसी कबूतर बात कर रही थी। क्या बात है टूनी, तुम किसी बात से चिंतित लग रही हो, क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैंने जो खेत खरीदा है वहाँ कुछ है, जैसे कि आप सबने कहा है। पहले बताओ तो मुझे क्या हुआ? मैं कल पूरी रात खेत में ही थी, थोड़ी देर के बाद किसी की रोने की आवाज़ आई, फिर किसी ने कहा कि ये खेत से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ सच में? मैंने तो तुम्हें पहले कहा था कि इतना सस्ता है, इसे मत खरीदो। लेकिन मुझे तो खेत की आवश्यकता है। हाँ वो सब तो ठीक है, पर अब तो खेत तुमने खरीद ली है, अब क्या करोगी तुम ही सोचो। अच्छा ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ। टूनी यह सोचती हुई घर जाती है कि वास्तव में उस क्षेत्र में क्या है। वो बहुत उदास और डरी हुई थी। तभी उनकी बेटी बुज्जी ने अपनी माँ को यह बात बताई। माँ, हमारा खेत कैसा है माँ? हाँ बुज्जी बेटा ठीक है, मैं प्रतिदिन रात में वहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है माँ, मुझे घर पे अकेले रहने में डर नहीं लगता है, लेकिन हाँ आप अच्छे से खेत का देखभाल करिएगा। टूनी गौरैया और बुज्जी गौरैया दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हैं और अपना काम करते हैं। रात होते ही टूनी फिर से खेत में चली जाती है बहुत बहादुरी से। तभी फिर से डायन की चीख पुकार सुनाई देती है। तब टूनी मन ही मन सोच रही थी, अरे पहले तो मैं सोच रही थी कि इस खेत में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तो लगता है कि इस खेत में कोई भूत है। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूं, लेकिन इस खेत का अच्छे से देखभाल भी करनी होगी। अभी मैं सो जाती हूँ। टूनी गौरैया बहुत बहादुर है, लेकिन डायन टूनी गौरैया को डराती है, लेकिन टूनी गौरैया वास्तव में डरती नहीं है। टूनी गौरैया को उस बिस्तर में अच्छी नींद आती है। चुड़ैल इतनी घबरा गई कि उसे मेरी चीखें सुनाई नहीं दे रही है, उसे बहुत गुस्सा आ जाती है। टूनी भी निर्भीक होकर डायन के सामने खड़ी हो गई। टूनी, मैंने कहा था ना ये मेरी घर है, तुम यहाँ क्यों आई? हाँ लेकिन मैं तो अब इस खेत को खरीद चुकी हूँ। देखो फिर से कह रही हूँ, दोबारा यहाँ मत आना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे मारना है तो मार दो, पर मैं ये खेत नहीं छोड़ूंगी। तो डायन टूनी गौरैया को बहुत अच्छी तरह धमकाती है, लेकिन वह टूनी गौरैया को नहीं छोड़ेगी। ये सुनने के बाद टूनी गौरैया को बहुत कष्ट होती है। तुम चुपचाप यहाँ से चले क्यों नहीं जाती हो? मेरे पास ये खेत के अलावा और कुछ भी नहीं है, अगर तुम इस खेत को छोड़ने को कहोगे तो मैं अपनी बेटी का गुजारा कैसे करूँगी? हमें तो इस खेत पर ही जीवित रहना है। तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। देखो अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी मुझे हर दिन कहती है कि माँ खेत अच्छी होनी चाहिए, तुम अच्छे से देखभाल करना माँ, ये खेत ना होता तो हमारी अस्तित्व भी नहीं होता, तुम यहाँ से चली जाओ। ओ तो तुम्हें बहुत कष्ट हो रही है ना, ठीक है चिंता मत करो, तुम अपनी फसल और परिवार का अच्छे से ख्याल रखना, मैं चली जाऊंगी। टूनी गौरैया के शब्दों से विचलित होकर डायन अपना खेत छोड़ देती है और टूनी गौरैया बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रही। वह अपने खेत में अच्छे से खेती करती है और कड़ी मेहनत करके अच्छा पैसा कमाती है और उसकी अच्छे से देखभाल भी करती है। उस दिन के बाद से बिना तकलीफ के आराम से रहने लगी। आराम दरवाजा खटखटाने वाली चुड़ैल, टूनी गौरैया, छोटू तोता और चिचुकौवा तीनों ने बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह तीनों एक साथ खेलते हैं, गाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। इसके अलावा तीनों दोस्त पूरे दिन से रात तक इस गांव की सड़कों पर एक साथ घूमते थे। इसके अलावा टूनी पिचुका अपने दोस्तों और बच्चों के साथ बाहर बैठता है और वे सभी एक साथ बातें करते हैं और मस्ती करते हैं।
लेकिन रात में ही गांव के सभी लोगों को पता चलता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इसलिए गांव के कई पक्षी देर रात तक बाहर घूमने से डरते थे। लेकिन टुनी गौरैया, छोटू तोता और चिचुकौवा ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन देर रात को सभी पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। चिचुकौवा और उसका बेटा चिन्नुकौवा गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी कोई चिचुकौवा के घर का दरवाजा खटखटाता है। चिचुकौवा जाग गई। चिचुकौवा के मन में, किसी ने एक बार दरवाजा खटखटाया और फिर नहीं खटखटाया, क्या मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ? क्या सच में किसी ने दरवाजा खटखटाया? जिसको जरूरत होगी फिर खटखटाएगा। यह सोचकर चिचू फिर से सो जाती है। चिचुकौवा गहरी नींद में सो रही होती है, तभी कोई चिचुकौवा के घर का दरवाजा खटखटाती है। चिचुकौवा नींद से जागती है और जाकर दरवाजा खोलती है। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। अरे, यहाँ तो बाहर कोई भी नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कि गांव में कोई है जो रात में सबका घर का दरवाजा खटखटाता है। कोई जानबूझकर ये करता है, पर क्यों करता है, ये कौन है पता नहीं। तो चिचू डर जाती है और घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। फिर चिचू धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से बाहर देखती है। बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहे थे। चिचू बहुत डरती है और पूरी रात बिना सोए जगती रहती है। उस दिन के लिए वो रात बीत जाते हैं और अगली सुबह चिचू अपने दोस्तों छोटू और तुनी के पास जाती है और उन्हें जो कुछ हुआ वह सब बताती है। उसकी इस प्रकार बातें सुनकर दोनों दोस्त खूब हंसने लगे। अरे चिचू, क्या कह रही हो? तुम्हारा घर का दरवाजा किसने खटखटाया? ये निश्चित रूप से कोई भूत होगा। रात में दरवाजा खटखटाया था, मैंने खोला तो कोई नहीं था। अरे चीचू, ये सब तुम्हारा सपना होगा, तुम डरो मत। ठीक है, तुम लोगों को मेरे बात का भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, जब तुम लोगों का दरवाजा खटखटाएगा तब बताना। चिचू कौवा नाराज होकर वहां से चली गई। फिर छोटू तोता और टुनी गौरैया भी यह सोचते हुए घर चली गईं कि वह सब बेकार की बातें हैं, सब झूठ की बातें, वह दोनों विश्वास नहीं करते। फिर उस दिन रात होगी। इस बार छोटू तोता घर में सो रही थी तो कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाएगी। फिर वो उठकर हर जगह जाकर देखती है कि वहाँ कौन है, लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं था। हाँ, यहाँ तो मेरा भी दरवाजा किसी ने खटखटाया, पर जब खोल के देखा तो कोई भी नहीं है, ये कौन हो सकता है? छोटू तोता ऐसा सोचती है और घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी फिर से कोई दरवाजा खटखटाती है और छोटू को बहुत गुस्सा आ जाती है और वह तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है। वहां कौन है चारों ओर देखती है, परंतु बाहर कोई भी नजर नहीं आ रही थी। तभी वह दोबारा दरवाजा बंद करने गया तो उसे थोड़ी दूरी पर सफेद साड़ी में एक महिला दिखाई दी, जो अंधेरे में एक कुएं के सामने खड़ी थी। और बस इतना ही, छोटू तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है और डर के मारे घर के अंदर चली जाती है। फिर वह चुड़ैल बार बार वापस आती है और दरवाजा खटखटाती है। छोटू डर के मारे हैरान है। ओई माँ, ये तो बाहर बहुत खड़ी है। चीचू ने सही कहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई है जो रात में दरवाजा खटखटाता है। हम सब तो इसको मजाक में ले रहे थे, पर अब क्या करें? दरवाजा पटकने की आवाज सुनकर बन्नू तोता भी जाग जाते हैं। माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, बोलो ना। मुझे नहीं पता, तुम सो जाओ। अगर आपको नहीं पता तो दरवाजा खोल के देखो ना कौन आया है, वरना मुझे जाने दो। नहीं बन्नो, तुम मत जाओ। अभी मैंने दरवाजे के बाहर भूत को देखा है, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रही है, तुम सो जाओ। क्या, बाहर भूत है, अब हम क्या करें? तुम भी आकर सो जाओ माँ। पूरी रात इसी तरह बन्नू और उसकी माँ छोटू जगती रहती है। वे सोने से डर रही थी। सुबह चिचू काक तुनी गौरैया को बुलाई और उन्हें वह सब कुछ बताई जो उसके साथ हुई थी। अरे बाप रे बाप, मैंने तो अभी तक भूत को नहीं देखा, पर तुमने तो देखा है, अब तो भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, तुमने सही कहा था, वो भूत बहुत ही डरावनी है। पहले तुम पर भरोसा नहीं था, पर अब भरोसा हो गया है, अब क्या करे?
देखो अगर ये सब सच है तो वो भूत आज मेरे घर पे आ सकता है, क्योंकि हमारे घर पे बच्चे हैं। अब हम सबको जाकर इंस्पेक्टर लूसी कबूतर को ही सब कुछ बताना होगा, अब वही कुछ कर सकते हैं। क्या पुलिस हमारे बात पे विश्वास करेगी? ये पुलिस क्या करेगा? देखो इससे ज्यादा हम लोग और क्या कर सकते हैं बताओ। अगर ये बात पुलिस को बताएंगे तो हम लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। ठीक है टूनी, तुम्हें जो सही लगे वही करो, पर मैं अभी बहुत ही डरी हुई हूँ। तीनों एक साथ लूसी कबूतर जो पुलिस है उसके पास जाते हैं। वे कबूतर को जो कुछ हुआ वह सब बताते हैं। लूसी को ऐसी बात पर विश्वास नहीं था। देखो मैंने ये बात सुनी है, लेकिन आप लोग कैसे कह सकते हो कि वो एक भूत है? असल में बात यह है कि सबके साथ एक ही जैसा हादसा हो रहा है, इसीलिए तुम लोगों के दिमाग में ये सब चल रहा है। तुम लोग डरो मत, ये सब भूत वूत कुछ नहीं होता। नहीं सर, मैंने सचमुच देखा है, आप कुछ करें। देखो मुझे तो ये सब कुछ एक सपना लगता है। अब अगर तुम लोगों में से किसी के भी घर में वो भूत आए तो उसे मेरे घर भेज देना, ठीक है? टुनी को नहीं पता कि उन्हें और क्या करनी है, फिर वो अपनी घर चली जाती है। तभी मही चील उनके घर आते हैं टुनी गौरैया को सावधान करने के लिए। देखो आप चाहे कोई भी हो, पर रात में आप लोग बाहर मत आना। हर किसी को पता है कि हमारे गांव में एक भूत घूम रही है जो सबका घर का दरवाजा खटखटाता है। मेरा भी दरवाजा खटखटाया था, मैंने भी भूत को देखा है। हाँ माही, आपने सही कहा कि इस गांव में भूत है, छोटू ने भी भूत को देखा है। हाँ इसीलिए आप लोग सावधान रहे। इतना कहकर माही चील चले जाते हैं। तभी चिचू और छोटू डर रही थी। उन सभी ने उस दिन टुनी के घर पर रात बिताने का फैसला किया। फिर वे बच्चों को लेकर टुनी के घर में रुक जाती हैं। और फिर रात हो जाती है। टुनी को डर है कि चुड़ैल उनके घर ना आ जाए। तभी कोई लूसी कबूतर के घर का दरवाजा खटखटाती है। लूसी कबूतर डर कर दरवाजा खोलता है, बाहर कोई नहीं है। लूसी कबूतर जब घर के अंदर जाती है तो दोबारा दरवाजा खटखटाती है, और जब बाहर जाती है तो थोड़ी दूरी पर उसके सामने एक चुड़ैल होती है। लूसी कबूतर पुलिस तुरंत घर में जाती है और दरवाजा बंद कर बैठ जाती है और रोने लगती है। दिन इसी तरह बीतता है। सुबह पुलिस लूसी कबूतर टुनी के घर जाती है। लूसी कबूतर उन सभी से बात करती है। अच्छा सुनो, तुम लोग कह रहे थे ना कि इस गांव में भूत है, ठीक है आज रात मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। लेकिन हमारे घर पे तो रात में कोई भूत नहीं आया। ठीक है देखते हैं आज क्या होता है, तुम लोग डरो मत, ठीक है? ठीक है चलिए। लूसी कबूतर ने आज रात उनके घर की रखवाली करने के बारे में सोची और उनके घर में रुकी। फिर इसी तरह रात हो जाती है। तभी कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाती है। हर कोई डरी हुई है। अरे लूसी तुम क्यों डरते हो? असल में कल वो भूत हमारे घर आई थी, इसीलिए मैं डर से तुम लोगों के घर आ गया। ठीक है डरो मत, अब मैं जाकर देखती हूँ। टुनी धीरे धीरे जाती है और खिड़की से देखती है। वो देखती है कि बाहर चुड़ैल दरवाजे पर दस्तक दे रही है। टुनी ये देखकर आश्चर्यचकित है। सभी लोग एक एक करके खिड़की से उस चुड़ैल को देखने लगी और डर के मारे सभी छिप गए। अब उस भूत को कैसे भगाए बताओ, हमें तो लगता है वो जरूर किसी इंसान का ही भूत होगा। हाँ कुछ करना तो होगा। अरे वाह, भूत को इतने करीब से देखने का ये अच्छा मौका है, बताओ ना कैसा है दिखने में। मेरे मन में एक विचार आया है, चलो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भूत फिर कभी नहीं आएगा। उसके बाद टुनी गौरैया जाती है और हनुमान चालीसा लाती है। वे सभी एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। डायन को हनुमान चालीसा की आवाज़ सुनना सहन नहीं हुआ। वह चुड़ैल जीवन भर की तरह उस गाँव से भाग गई। गाँव अब शांत है। सभी लोग टुनी की बहुत प्रशंसा करने लगी।